नमस्कार दोस्तों, केरल के सुप्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को खोलने को लेकर कई कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें, सबरीमाला मंदिर दीपावली के बाद 16 नवंबर को खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल राज्य के धर्मस्व विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फिलहाल मंदिर में आम श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। बता दें, 16 से 21 सितंबर तक मंदिर को मासिक पूजा के लिए खोला जाएगा, लेकिन अभी इसमें किसी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं मिलेगा। सरकार इस समय गाइडलाइन तय करने पर काम कर रही है। हालांकि अभी मंदिर का प्रबंधन देखने वाला त्रावणकोर देवस्योम बोर्ड इसे लेकर कुछ स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बोर्ड के मुताबिक समिति ने सरकार को अपने प्रस्ताव भेजे हैं, जिन पर सरकार विचार करने के बाद फैसला लेगी। अगर ये नियम लागू होते हैं तो यहाँ दर्शन करने वाले हर श्रद्धालु को करीब 24 दिन क्वारंटीन रहना होगा, 14 दिन दर्शन से पहले और 10 दिन दर्शन के बाद। चलिए अब आपको बताते हैं विशेष समिति ने क्या सुझाव दिए हैं। दर्शन के लिए 20 साल से कम और 50 साल से ज्यादा के लोगों को इजाजत ना मिले। मंदिर में दर्शन से पहले 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड आवश्यक हो। दर्शन करने के बाद भी 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड हो। मंदिर में एक समय में 5,000 लोगों को प्रवेश मिले। मंदिर में रेगुलर कोविड-19 टेस्ट हो। कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू हो। प्रमुख पूजाओं के समय 50 लोगों की ही उपस्थिति रहे। ऑनलाइन अनुमति, वर्चुअल क्यू सिस्टम, प्रसाद और हार फूल जैसी चीजों की मनाही आदि के भी सुझाव हैं। आपको बता दें, नवंबर दिसंबर के 2 महीने सबरीमाला मंदिर के लिए खास होते हैं। मलयालम कैलेंडर में इन्हें मंडलम और मकर विलक्कु माह कहा जाता है। इन महीनों में यहां अयप्पा स्वामी के दर्शन का महत्व है और मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। करीब 1.5 महीने यहां श्रद्धालुओं का हुजूम रहता है। पिछले कुछ सालों में इन 2 महीनों में यहां दर्शनार्थियों की संख्या 30 लाख तक पहुंच चुकी है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।